नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर, काफ़ी बेहतरीन है लेकिन काफ़ी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि कंपनी जो है उसमें प्रमोटर का स्टेक धीरे धीरे गायब हो चुका था इसीलिए, और कंपनी के पास जो रिजर्व है वो निगेटिव था। बाकी बात, कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कर रही थी, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सॉलिड बिजनेस है कंपनी का। तो ये स्टॉक है हमारा 3i इन्फोटेक, जिस स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये 9 रुपये का शेयर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक कभी जो है देख सकते हैं काफ़ी नीचे मिल रहा था। यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक आपको काफ़ी नीचे मात्र 1.60 रुपये पे मिल रहा था, और यहाँ से ये स्टॉक तय किया 9.60 रुपया का जर्नी। तो यहाँ से आप देखिए 1.60 रुपये से 9.60 रुपये, मतलब 8 रुपीज़ का प्रॉफिट एक शेयर पे। लेकिन यहाँ पर जो इतनी तेजी आई इसके पीछे वजह क्या है, ये कंपनी अपने जो बिजनेस है उसको सेल ऑफ कर रही है। मतलब जो अपना दो बिजनेस है इस कंपनी का, एक सर्विस और दूसरा सॉफ्टवेयर बिजनेस, तो एक बिजनेस जो है कंपनी सेल करने जा रही है। अगर टेक्निकल चार्ट पे हम बात करें तो टेक्निकल चार्ट पे ये कंपनी काफ़ी वीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लगातार इसमें गिरावट देखने मिला, देख सकते हैं लगातार गिरावट। जब से ये न्यूज आया तो ये स्टॉक जो है लगभग 3 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से देख सकते हैं लगातार एक ही कैंडल में ये स्टॉक जो है यहाँ से 3 रुपीज़ से लगभग 6 रुपीज़ के ऊपर आ चुका था। तो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने मिला। जैसे न्यूज़ आया कि कंपनी अपने बिजनेस को सेल करेगी, अपने एक बिजनेस को, तो उसके बाद कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिला। चार्ट काफ़ी वीक है, क्योंकि हम पीछे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर चार्ट आपको दिखेगा कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है पहले काफ़ी मतलब हाई हुआ करता था, जहाँ से लगातार गिरावट देखने मिला इस स्टॉक में। देखिए यहाँ पर, तो पीछे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो पहले 165 रुपीज़ के हाई तक को टच किया था, वहाँ से इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिला और लगातार गिरते गिरते ये 1.60 रुपये तक पहुँच चुका था। यहाँ पर देख लीजिए, ये कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ 165 रुपीज़ था, और कंपनी जो शुरुआत हुआ था मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, तो वो यहाँ पर इस प्राइस में 40 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हुआ था, और वहाँ से देख सकते हैं कंपनी में लगातार गिरावट, और ये गिरावट आकर के रुका 24 रुपीज़ पे, और यहाँ से 24 रुपीज़ से फिर ये अप ट्रेंड करता है और फिर से ये अपना हाई लगाता है 100 रुपीज़ के आसपास का, और फिर वहाँ से देख सकते हैं इसमें गिरावट होती है, और ये गिरावट लगातार कंटिन्यू चलता है, और कंटिन्यू गिरावट के कारण इस स्टॉक में लगातार वीकनेस बना रहा, क्योंकि इसमें जो प्रमोटर था पहले ICICI बैंक था, और ICICI बैंक अपना सारा स्टेक सेल कर दिया, और जिसके कारण कंपनी में लगातार गिरावट देखने वाला। बीच में बिजनेस भी काफ़ी प्रभावित हुए थे, कंपनी का जो रिजर्व कैश था वो निगेटिव हो चुका था, जिसमें धीरे धीरे काफ़ी सुधार देखने मिल रहा है। अगर इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है तो निश्चित है कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न इस स्टॉक में मिल सकता है। लेकिन ये स्टॉक आप तब ही बाय करना है जब आपको ये नीचे के वैल्यूएशन में मिले। यहाँ पर देखिए, अगर ये 10 रुपीज़ को यहाँ पर क्रॉस करने में सफल होता है तो फिर हमारा जो टारगेट होगा 24 रुपीज़ का होगा, क्योंकि अगला जो रेसिस्टेंस है 24 रुपीज़ का, ये टेक्निकली हुआ। लेकिन इसमें न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर न्यूज़ आ जाता है कि कंपनी का वैल्यूएशन इतना लगाया गया और इसके एक बिजनेस को सेल कर दिया गया, तो यहाँ पर आपको उस न्यूज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने मिल सकता है। ऐसे अभी देख सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ये 10 रुपीज़ के ऊपर नहीं कर पा रहा है, 10 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पर एक जबरदस्त मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के स्टॉक में आपको बहुत ही कम रुपया लगाना है, जैसे आप 500 रुपीज़ लगा दिए, 100 रुपीज़ लगा दिए, 1000 लगा दिए, उससे ज़्यादा आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना इस तरह के पाइनी शेयर्स में। क्या अब हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें, ये तो टेक्निकल चार्ट पे हुआ, जो आपको काफ़ी मदद करेगा कि किस प्राइस पे आपको लेना है। प्राइस आपने देख लिया, जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, और जितना कम अमाउंट हो उतना कम आपको लगाना है। यहाँ पर देखिए, बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स का, तो फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी सॉलिड, जैसा कि आपने बोला सिर्फ एक ही यहाँ पर रीजन है जिसके कारण इस स्टॉक को अवॉइड किया जा सकता है, वो है कंपनी का रिजर्व और सरप्लस। देखिए कंपनी का रिजर्व और सरप्लस कितना है, माइनस में है, 864 करोड़ का निगेटिव है रिजर्व, और यहाँ पर डेट भी कंपनी के ऊपर है 550 करोड़ का, और कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी लगभग कुछ नहीं है, 16 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो कुछ नहीं है। और देखिए कंपनी की बात करें तो
पीछे 10 साल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेट था, देख सकते हैं 2382 करोड़ का। 5 ईयर्स पहले भी बात करें तो 925 करोड़ का डेट था, तो काफ़ी ज़्यादा डेट हुआ करता था जो कि धीरे धीरे काफ़ी कम हुआ है। कंपनी मार्केट कैप की बात करें तो अभी 1455 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके सिर्फ एक बिजनेस का 2000 करोड़ वैल्यूएशन लगाया गया है, सिर्फ एक बिजनेस का। इसके पास कंपनी के पास दो दो बिजनेस है, एक सर्विस दूसरा सॉफ्टवेयर बिजनेस। तो यहाँ पर देखते हैं काफ़ी मतलब एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और कंपनी के जो बिजनेस है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे आगे चल करके। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं, लो बनाया था देखते हैं 1.55 रुपीज़, हाई 10 रुपीज़ का बनाया है और 10 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू 4.66 रुपीज़ का है, तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से दोगुने प्राइस पे लगभग ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 3.15% है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 4.85% है, प्रमोटर्स होल्डिंग 0 है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रमोटर्स है, इसके जो इम्प्लाय लोग हैं और जो अलग अलग बैंक है, इसका काफ़ी अच्छा स्टेक है इस स्टॉक में। अगर प्रॉफिट की बात करें, देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है 391 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है यहाँ पर। देखिए हम प्रॉफिट के पेज पे यहाँ पर देखिए सेल्स, कंपनी का सेल 2010 से लगातार देख सकते हैं डिक्रीज होते जा रहा है, लगातार सेल डिक्रीज हुआ है। और कंपनी का प्रॉफिट की बात करें, पहले देखिए कंपनी का प्रॉफिट जो नेगेटिव में था, धीरे धीरे यहाँ कंपनी प्रॉफिट में आई है और लगभग देख सकते हैं 67 करोड़ का इस बार काफ़ी ज़्यादा है, 391 करोड़ का प्रॉफिट फाइनेंशियल 2021 में। तो हाँ, प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त बना रही है कंपनी। पहले यही कंपनी लॉस में थी जिसके कारण शेयर प्राइस में लगातार गिरावट भी देखने मिला था। इस देख सकते हैं ये पूरे के पूरे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव था। वही बैलेंस शीट की बात करें, देखिए बैलेंस शीट में पहले कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व हुआ करता था 2010, 2011, 2012, 2013, तो वहाँ शेयर प्राइस भी आपको मोमेंटम देखने मिला था, काफ़ी हाई तक गया था स्टॉक। और यहाँ पर देखिए मार्च 2021 में ये बचा है अभी रिजर्व निगेटिव में 864 करोड़ का, और पहले ये हुआ करता था 1270 करोड़ का निगेटिव में रिजर्व दिखता था, देखते हैं माइनस में 1270 करोड़ का निगेटिव में रिजर्व था। तो काफी ये मतलब बुरा हाल है क्योंकि कंपनी का रिजर्व जो है काफी ज्यादा निगेटिव में देखने मिल रहा है। वहीं इन्वेस्टर सेक्शन में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रमोटर्स का स्टेक आपको दिखाएगा भी नहीं, लेकिन आप देखिए DIs में जाइए तो IDBI बैंक के पास है लगभग 7.61% का स्टेक, अलग अलग बैंक के पास है, कैनरा बैंक के पास 3.04% स्टेक, वहीं HDFC बैंक के पास 1.6% स्टेक, बैंक ऑफ इंडिया के पास 1.33% का स्टेक और इंडियन बैंक के पास 3.09% का स्टेक, और वहीं LIC के पास भी स्टेक है। नीचे चलते हैं तो LIC के पास अभी कुछ नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक के पास है 1.76% का स्टेक। तो अलग अलग जो बैंक है इसमें अपना स्टेक रखता है। वही पब्लिक में भी यहाँ पर देखिए श्री मल्टीपल एसर्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके पास जो स्टेक है 16% है, और यहाँ सोबी सबस्टेन के पास भी है 2% का स्टेक, और टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस के पास है 1.44% स्टेक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो ट्रस्ट है उसके पास कई सारे के पास यहाँ पर स्टेक है, FIs के पास भी कोई स्टेक नहीं है, DIs के पास अच्छा खासा स्टेक है, जिसमें बहुत अलग अलग बैंक जो है इसमें स्टेक रखता है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स कोई नहीं दिखता, लेकिन DIs के रूप में प्रमोटर्स है, पब्लिक में भी कई सारे स्टेक ले रखे हैं। ऐसे कहा जाता है कि इम्प्लाई लोग ही इसमें अपना स्टेक बना रखे हैं और इम्प्लाई लोग ही इस कंपनी को चला रहे हैं। देखिए हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए जाइएगा सर्विस में, तो कंपनी कौन कौन सी सर्विस, देखिए कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस, डाटा एंड एनालिटिक्स सर्विस, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोफेशनल सर्विस, ब्लॉकचेन सर्विस, तो ये सारे सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी। और यहीं पर आप इंडस्ट्री में जाइएगा तो कौन कौन से इंडस्ट्री में ये सर्विस प्रोवाइड करती है, बैंक और फाइनेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस हेल्थ केयर सेक्टर में, और यहाँ पर तीसरा जो है गवर्नमेंट सेक्टर में और इंटरप्राइज को, तो ये सारे के सारे सेक्टर है जहाँ पर मतलब ये सारे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। और डिटेल में जानना है तो आप कंपनी के अलग अलग सर्विस के बारे में पढ़ सकते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ना हो तो अबाउट अस में जाकर कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे। तो सबसे जो अच्छी बात है कि आपको यहाँ ध्यान देना है चार्ट पे, अगर ये 10 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो निश्चित है कि इसमें एक जबरदस्त मोमेंटम देखने मिलता है, जिसमें न्यूज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो कंपनी का एक बिजनेस एक यूनिट जो सेल किया जाना है, अगर वो सेल करने का न्यूज आता है तो निश्चित है कि हमें ये
₹10 के जो रेसिस्टेंस है उसको क्रॉस करता हुआ देखने मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।